दोस्तों हॉलीवुड मिरर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का दूसरा एपिसोड पहले एपिसोड से तो काफी कम इंटरेस्टिंग था, लेकिन सीजन का पहला एलिमिनेशन जरूर हो गया। जी हाँ, निक्की तंबोली पहले ही हफ्ते में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 से एलिमिनेट हो गई है। बिग बॉस 14 में तो बहुत सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अबॉर्ट 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 और फाइनली वो खतरों के खिलाड़ी से एलिमिनेट हो गई। तो कैसे एलिमिनेट हुई उसके बारे इस वीडियो में बात करते हैं। तो दूसरे एपिसोड का पहला स्टंट पेयर्स में हुआ था। एक जोड़ी थी विशाल आदित्य सिंह और सना मकबूल की, दूसरी जोड़ी थी वरुण सूद और महक चहल की। हेलीकॉप्टर से बैलून बांध दिए गए थे और कंटेस्टेंट्स को बैलून से फ्लैग्स इकट्ठे करने थे हवा में। तो दोनों ही पेयर्स ने 10-10 फ्लैग इकट्ठे किए, लेकिन वरुण सूद और महक चहल इन्होंने कम समय लिया, जिसके कारण कि वो ये टास्क जीत गए और विशाल आदित्य सिंह और सना मकबूल दोनों को मिल गया फेयर फंदा। अब अगला जो स्टंट था वो उन सब के बीच था जिनको फेयर फंदा मिला हुआ, यानी कि राहुल वैद्य, विशाल आदित्य सिंह और सना मकबूल। इसमें क्या था कि एक व्हील वो रोटेट कर रही थी, आधा टाइम पानी के अंदर आधा टाइम पानी के बाहर। बहुत ही डेंजरस स्टंट था, खासकर राहुल वैद्य वो तो पहले बहुत ही झिझक रहे थे, वो कह रहे थे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मेरी फटती है पानी से। लेकिन फिर सबने मोटिवेट किया, खासकर रोहित शेट्टी ने और राहुल वैद्य ने ये स्टंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आया विशाल आदित्य सिंह, उन्होंने अबॉर्ट कर दिया। वैसे ही उनको वाटर फोबिया उन्होंने बताया और अबॉर्ट कर दिया। और इसके बाद फिर नंबर 3 पर आई सना मकबूल, जिन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 36 सेकंड में स्टंट कंप्लीट कर दिया। वाह! तो इस स्टंट के बाद विशाल आदित्य सिंह उनको एलिमिनेशन स्टंट में जाना था, क्योंकि फियर फंदा पहले से मिला हुआ था, ये भी स्टंट हार गए। फिर एलिमिनेशन स्टंट में वो चले गए। अब उनके साथ कौन होगा ये देखना था। उसके लिए अनुष्का सेन और निक्की तंबोली, इन दोनों को भी फियर फंदा मिला हुआ था, तो इनके बीच एक टास्क हुआ। अनुष्का सेन और निक्की तंबोली दोनों को चश्मा पहना दिया गया था, जिससे कि उनको दिखे ना कि कौन से जानवर उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, और उनको पहचानना था कि कौन सा जानवर है। अब अनुष्का सेन ने तो ये टास्क कर लिया, लेकिन निक्की तंबोली वो घबरा गई, अबॉट। चलिए जी, निक्की तंबोली पहुंची एलिमिनेशन स्टंट में। अब इसमें क्या हुआ, एक वाटर टैंक स्टंट था जिसमें कि विशाल आदित्य सिंह और निक्की दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और जो हारता वो एलिमिनेट हो जाता। अब विशाल आदित्य सिंह वाटर फोबिया है, फिर भी उन्होंने पानी में जाके ये टास्क कंप्लीट किया, लेकिन निक्की तंबोली पहले ही बाहर आ गई। नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत बोला सभी कंटेस्टेंट ने, निक्की ट्राई तो कर, लेकिन नहीं किया। रोहित शेट्टी ने बहुत मोटिवेट किया, निक्की ने कहा नहीं हो सकता मुझसे, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, मुझे डर लगता है अंदर पानी के अंदर जो जानवर हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। चलिए जी, एलिमिनेटेड। लेकिन इसके बाद भी अभी रोहित शेट्टी ने कहा हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप सब कंटेस्टेंट्स डिसाइड कीजिए कि क्या निक्की को चांस देना चाहिए या उनको एलिमिनेट करना चाहिए। तो ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने यही कहा कि 3 टास्क वो अबॉर्ट कर चुकी हैं, तो ये दिस दैट इज अनफेयर फॉर अदर कंटेस्टेंट जो कि ट्राई कर रहे हैं। तो फिर कंटेस्टेंट्स ने भी यही कहा कि इनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हर बार अबॉर्ट कर रही हैं। तो सीजन का पहला एलिमिनेशन हो गया, निक्की तंबोली खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 से एलिमिनेट हो चुकी हैं। ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड मिरर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।